नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं मोहित सिंह, प्रवक्ता यांत्रिकी राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झुंझुनू। ये वीडियो लेक्चर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है, जो विषय कोड है ME 302। ठीक है, जो चैप्टर है इस वीडियो लेक्चर का वो है न्यूअर मशीनिंग मेथड। ठीक है, इसमें जो पहला पार्ट है इसका वो मैकेनिकल प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस, उसके बाद इलेक्ट्रो प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस है। तो मैकेनिकल प्रोसेस में जो आते हैं वहाँ पे मैकेनिकल फोर्स का इनका यूज़ करके मशीनिंग की जाती है। मशीनिंग इन द सेंस, जैसे कटिंग है, ड्रिल करना है, ठीक है, कोई भी शेप काटनी है। ठीक है, तो जो इस चैप्टर का पहले यूनिट, जो पहला टॉपिक है वो हम पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रोसेस में, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। ठीक है, तो ये अल्ट्रासोनिक मशीनिंग है, ये नॉन ट्रेडिशनल प्रोसेस है। नॉन ट्रेडिशनल का मतलब जो प्रोसेस नए आए हैं, पहले के जो जैसे कन्वेंशनल प्रोसेस है ना, ट्रेडिशनल प्रोसेस है, जैसे जैसे लेथ मशीन पे ऑपरेशन करना है, ड्रिल मशीन से मशीनिंग करनी है, लेथ मशीन पे मशीनिंग करनी है, मिलिंग मशीन पे मशीनिंग करनी है, ये सारे कौन से हैं, कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस या ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस। नॉन ट्रेडिशनल में ये आते हैं अल्ट्रासोनिक मशीन है, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग है, अब्रेसिव जेट मशीनिंग है, और ऐसे जो न्यूअर मशीनिंग मेथड है, जो लेटेस्ट जिनकी जिनको काम में लिया जा रहा है वो है नॉन ट्रेडिशनल प्रोसेस। तो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग है वो भी आपकी नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस है, जिसमें इसके अंदर होता क्या है, अब्रेसिव जो होते हैं, अब्रेसिव पार्टिकल होते हैं एकदम छोटे छोटे, ठीक है, माइक्रोन की साइज़ के, उनकी सलरी बनाई जाती है पानी के साथ, यानी एक तरीके से घोल बना दिया जाता है जिसका फ्लो भी हो सके। ठीक है, जिसे बोलते हैं सलरी। ठीक है, उसको वर्क पीस और टूल के बीच से फ्लो किया जाता है, और जो टूल होता है वो वाइब्रेट करता है, ठीक है, अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी पे। ठीक है, और एम्पलीट्यूड काफ़ी लो होता है, 25 से 100 माइक्रोन तक, तथा फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है, साउंड की फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा जो होती है 15 से 30 किलो हर्ट्ज तक की। ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी जो अपने सेंसर उससे भी ज़्यादा है, पर इसको सेंस नहीं कर पाते। अल्ट्रासोनिक जो फ्रिक्वेंसी होती है तो 15 से 30 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी काम में ली जाती है, और एम्पलीट्यूड है यानी जो वाइब्रेशन करता है ऊपर नीचे जो टूल जाएगा है ना, उसका क्या रहेगा, 25 से 100 माइक्रोन तक ऊपर नीचे टूल होगा वाइब्रेट, जो इस डायग्राम में आपको बताएंगे। अब इसका देखते हैं प्रोसेस। तो ये आपको बता ही दिया, मैकेनिकल टाइप प्रोसेस है, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस है। ठीक है, और इसमें इसका जो यूज़ किया जाता है इस मशीनिंग का, वो खासकर जो हार्ड तथा ब्रिटल मटेरियल होते हैं उनकी मशीनिंग करने के लिए प्रयोग में किया जाता है, जो साथ में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव हो या नॉन कंडक्टिव हो उनकी भी मशीनिंग की जा सकती है। इवन जैसे सिरेमिक जो नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिकल के, उनकी भी मशीनिंग होल करना है उनके अंदर, ये भी अल्ट्रासोनिक मशीनिंग से किया जा सकता है। होल भी बहुत छोटे, 1 mm से भी कम साइज़ के होल अल्ट्रासोनिक मशीनिंग से किए जा सकते हैं। ठीक है, और जिनकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा है उनकी भी मशीनिंग इससे, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग से मशीनिंग की जा सकती है। ठीक है, यह प्रोसेस पहली बार 1950 में डेवलप हुआ था। ठीक है, अब आपको ये डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, तो टूल है, इसकी शेप भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जैसे टूल की शेप होती है उसी टाइप का जो मशीनिंग है वर्कपीस पे होगी। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, एक मिनट, ये टूल है, ये दिख रहा है, ये टूल लिख रखा है। ठीक है, ये हॉर्न है,
ठीक है, जो ये ऊपर से फोर्स लगता है। अब जो ये टूल दिख रहा है ना आपको, बताया गया है ये क्या होता है, ऊपर नीचे वाइब्रेट होता है, जो ये डायरेक्शन दिखा रखी है ना ऊपर और नीचे, ठीक है। एम्पलीट्यूड कितना बताया था आपको, 25 से 100 माइक्रोन तक, यानी बहुत ही कम स्पेस में ऊपर नीचे होता रहता है ये, ठीक है। ये आपका वर्क पीस है नीचे, ये नीचे दिख रहा है वर्क पीस, ठीक है। ये टूल यहाँ पे ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है। अब टूल और वर्क पीस के बीच में जो सलरी है, एब्रेसिव जो पार्टिकल है, जैसे एलुमिना हो सकता है, एलुमिना एब्रेसिव पार्टिकल है, जो जैसे आपके रेजमाल के पत्ते, इन पे देखे होंगे जो बारीक बारीक लगे होते हैं, ठीक है, वो एब्रेसिव मटेरियल है। तो उसका पानी के साथ सलरी बना के यहाँ से टूल और वर्क पीस के बीच इसे फ्लो करवाया जा रहा है, ठीक है। अब टूल ये वाइब्रेट करता है, तो ये जो एब्रेसिव जो पार्टिकल है, ये इस वर्क पीस पे क्या करेंगे, एक तरीके से फोर्स लगाएंगे। कौन सा फोर्स, जो इनको तोड़े, यानी आप मान लो ब्रिटल फ्रैक्चर यहाँ पे होता है, ठीक है। और किस पे डिपेंड करता है, जो टूल की शेप है, डिजायर्ड शेप की जो टूल है उसके अकॉर्डिंग आपका ये होगा, मशीनिंग होगी। इस डायग्राम में भी दिखा रहे, टूल है ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है, उसको फीड दी जाती है, सलरी फ्लो करवाई जा रही है एब्रेसिव और वाटर की, ठीक है। और ये कटिंग एक्शन यहाँ पे हो रहा है वर्क पीस पे। इसमें ध्यान में देने वाली ये बात भी, क्योंकि एब्रेसिव मटेरियल है, वो इस टूल का भी क्या करेंगे, वियर करेंगे, वो टूल भी घिसेगा आपका, है ना। आपने लेथ मशीन में भी देखा, जब वो कटिंग करते हैं तो टूल भी घिसता है, वहाँ थोड़ा कम घिसता है, लेकिन यहाँ पे टूल वियर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो टूल को फीड फोर्स देना पड़ता है, एफ, ये सब लिख रखा है इस डायग्राम में। इसके बाद देखते हैं इसके इक्विपमेंट इस मशीन में, ठीक है, क्या क्या होता है। ये आपकी मशीन दिखा रखी है इस साइड में, मशीन में आपको बता रखा है, कॉलम है, सलरी पंप है, जो अब्रेसिव और पानी का जो मिक्सर उसको फ्लो कराएगा, ये मैनुअल ड्राइव है, ये ऊपर है जो फीड मैकेनिज्म है, ठीक है। ठीक है, ये सलरी टैंक है, नीचे लिख रखा है, ये सलरी पंप है जो इस सलरी को भेजेगा, ये कॉलम है, ये मैनुअल ड्राइव है, यानी मैनुअल भी ऑपरेट कर सकते हैं। ऊपर ये फीड मैकेनिज्म है, ये पोजीशन इंडिकेटर है कि कहाँ पे पोजीशन है ना। ये हेड टूल है एक्यूस्टिक, ठीक है। ये वर्क पीस है नीचे, ये नीचे टूल है, ठीक है। ये वर्क टेबल है जिसपे टूल को रखा जाता है, ये सपोर्ट है, ठीक है। ये इसकी जो मशीन है उसका अरेंजमेंट है। इसके बाद इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले होता है हाई पावर साइन वेव जनरेटर्स, है ना, यानी वाइब्रेशन आपको करवाने हैं तो जो साइन वेव है, जनरेटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो साइन वेव जनरेट करती है ना हाई पावर की। उसके बाद दूसरी डिवाइस दे रखी है मैग्नेटो स्ट्रिक्टिव ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो आपने देखा होगा इस पे अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में आपको पहला यही बताया गया था कि टूल वाइब्रेट करता है, यानी वाइब्रेशन क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है, ऊपर नीचे जा रहा है टूल, ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है। लेकिन अपने पास क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट है पहले से ही, तो उसको कन्वर्ट करते हैं किस में, वाइब्रेशन एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में। तो इस काम के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसे बोलते हैं ट्रांसड्यूसर, जो इलेक्ट्रिकल जो सप्लाई जा रही है मशीन को, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है ट्रांसड्यूसर, मैकेनिकल वाइब्रेशन में, ठीक है। उसके बाद है टूल होल्डर और फिर है टूल, ये इसके इलेक्ट्रिकल मैन इसके कंपोनेंट है, ठीक है। उसके बाद जो ये आपका बता रखा है, पूरी डिटेल में समझा रखा है, ट्रांसड्यूसर कहाँ फिट होते हैं, ये एक्साइटेशन कोयल है, ठीक है,
एक्साइट करती है, कूलिंग वाटर भी फ्लो करवाना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, इसलिए कूलिंग वाटर भी चाहिए। ठीक है, ये ट्रांसड्यूसर है, ये बता रखा है, ये ट्रांसड्यूसर है, ये कूलिंग वाटर यहाँ से फ्लो होता है, ये एक्साइटेशन कोइल है जो वाइब्रेशन जनरेट कराएगी, है ना। ये सिल्वर जॉइंट शोल्डर जॉइंट है, जॉइंट किया हुआ है सोल्डरिंग से। ये ट्रांसड्यूसर कोन है, ये बता रखा, ये रेजोनेंट सपोर्ट है, ये कूलिंग वाटर आउट है, यहाँ से इन होता है, और जो ये जो एक्साइटेशन कोयल और इनकी वजह से जो हीट जनरेट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ हीट में भी कन्वर्ट हो जाती है, तो इसको कूल रखने के लिए वाटर भी फ्लो करवाया जाता है। ठीक है, ये आपका टूल कौन है नीचे, ये टूल टिप लगी हुई है नीचे, टूल मोशन बता रखी है आपको। ठीक है, ऊपर नीचे होता है, ये वर्क पीस है, ये एब्रेसिव फ्लूड है वो डाला जा रहा है। ठीक है, और ये जो इसका और भी डिटेल व्यू है, जो टूल एक्शन जहाँ पे हो रहा है, ठीक है, वो भी आपको बता रखा है। ठीक है, ये देख लो, ये आपकी क्या है, इसी डायग्राम को एनलार्ज करके बताया गया है, इसी डायग्राम को, ये जो प्रोसेस जहाँ हो रहा है उसी को एनलार्ज किया गया है इस तरफ। ये आपका टूल टिप हो गई, ठीक है, नीचे ये वर्क पीस हो गया। ठीक है, ये जो यहाँ से एब्रेसिव पार्टिकल है ना, सलरी जो वाटर के साथ है उसको भेजा जा रहा है बीच में। ठीक है, ये टूल कौन है जो यहाँ आपको बता रखा था ना, टूल कौन, ये रहा टूल कौन। ठीक है, ये और साथ में ये चिप ऑफ मटेरियल, वर्क मटेरियल जो ये चिप्स है, अपन जैसे रेस मशीन भी काम करते हैं तो वर्क पीस की जो चिप्स रिमूव होती है, वैसे चिप भी यहाँ भी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेन जो कटिंग हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, जो ये एब्रेसिव पार्टिकल है टूल और वर्क पीस के बीच, इनकी वजह से। ठीक है, टूल टिप, और आप देख रहे होंगे जो जैसी शेप आपको बनानी है वैसी टूल की शेप भी रखनी पड़ती है, और टूल का भी इसमें वियर होता है। ठीक है, तो जो इसके इक्विपमेंट बता रखे हैं उनका देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं। हाई पावर साइन वेव जनरेटर ये क्या करता है, लो फ्रिक्वेंसी जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसको हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है। आपने सबने देखा होगा, इसे यहाँ लिखा हुआ है 60, अपने यहाँ इंडिया में यूज होता है 50 हर्ट्ज़। ठीक है, तो ये जो यूनिट क्या करती है, साइन वेव जनरेटर क्या करती है, जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है 50 या 60 हर्ट्ज़ की, उसको 20 किलो हर्ट्ज़ की हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है। उसके बाद है ट्रांसड्यूसर, वो आपको बता ही दिया था, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, टू टाइप्स के होते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर और मैग्नेटो स्ट्रिक्टिव ट्रांसड्यूसर। तो यहाँ पे जो लगा हुआ है वो है मैग्नेटो स्ट्रिक्टिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में बता रखा है। इसके बाद है टूल होल्डर, जिसमें टूल को पकड़ा जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है मेनली, ये जो ट्रांसड्यूसर है, टूल होल्डर क्या करता है, ट्रांसड्यूसर और टूल को कनेक्ट करता है। ठीक है, और साथ में कुछ केसेस में एनर्जी भी ट्रांसमिट करता है। ठीक है, और वाइब्रेशन को भी क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, यानी जो कम वाइब्रेशन आपको मिल रहे थे, है ना, ट्रांसड्यूसर से, उसको भी बढ़ा देता है, एम्पलीफाई कर देता है, वाइब्रेशन को बढ़ा देता है। ठीक है, जो टूल हो, जो इसका जो मटेरियल है उसमें एक्यूस्टिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, फटीग क्रैकिंग है उसके प्रति रेजिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होते हैं तो फटीग की वजह से फेलियर नहीं हो, तो फटीग रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है टूल। ठीक है, तो जो टूल यहाँ पे यूज़ होता है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में, वो डक्टाइल मटेरियल यूज़ होते हैं, इसलिए उनका आसानी से वियर भी हो जाता है। इसके लिए मुख्यतः ब्रास है, स्टेनलेस स्टील है, माइल्ड स्टील है, ठीक है, उनको यूज किया जाता है। फिर उसके बाद ऑपरेशन आपको दिखा रखा है, ये आपको वही चीज़ दिखा रखी है दोबारा, जो अल्ट्रासोनिक ऑक्सीलेशन ऑक्सीलेटर है वो ऑक्सीलेशन है, वाइब्रेशन जनरेट करता है। ठीक है, एक हॉर्न यूज़ किया गया है जिसकी शेप है एक्सपोनेंशियल, जो आपको इसकी शेप दिख रही है ना हॉर्न की, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हॉर्न यूज़ किए जाते हैं जो डिपेंड करते हैं, है ना, आपको क्या
क्या प्रॉपर्टी चाहिए, है ना, कैसा एक्शन काम में लेना है। तो ये आपको यह दिख रहा है ना हॉर्न, ये एक्सपोनेंशियल हॉर्न है। आपने एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी देखा होगा, ठीक है। तो उसी शेप में ये है, एक कॉनिकल भी होता है जो इस टाइप का होता है, एक होता है स्टेप्ड भी होता है हॉर्न, ठीक है, स्टेप्ड, समझ गए, इस टाइप का। इसके बाद प्रोसेस पैरामीटर, यानी क्या क्या इसके पैरामीटर है। तो ये जो 12-13 पैरामीटर है उसमें है, जैसे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है 15 से 20 माइक्रोन तक होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है 19 से 25 किलो हर्ट्ज तक की होती है, फीड फोर्स है, फीड प्रेशर है, एब्रेसिव साइज है, जो आपने एब्रेसिव यूज़ किया है जैसे एलुमिना यूज किया है उसकी साइज़ क्या है, ग्रिड साइज क्या है, एब्रेसिव मटेरियल कौन सा यूज़ कर सकते हो, जैसे एलुमिना है, सिलिकॉन कार्बाइड है, बोरोन कार्बाइड है, बोरोन सिलिकॉन कार्बाइड है, डायमंड भी आप एब्रेसिव मटेरियल के रूप में यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फ्लो स्ट्रेंथ ऑफ द वर्क मटेरियल है, फ्लो स्ट्रेंथ ऑफ द टूल मटेरियल है, कॉन्टैक्ट एरिया है टूल का, है ना, वॉल्यूम, जो वॉल्यूम आयतन सांद्रण है जो उस एब्रेसिव का वाटर सैलरी में, यानी कितना परसेंटेज उसके अंदर एब्रेसिव है पानी के अंदर। जो सैलरी आपने बना रखी है ना, आप कम एब्रेसिव यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, उसका पूर, इन सब चीज़ों का क्या इफेक्ट पड़ता है किस पे, जो कटिंग हो रही है उस पे। मटेरियल रिमूवल रेट एक टर्म यहाँ पे यूज होती है, कि कितना मटेरियल रिमूव हो रहा है, ठीक है। टूल है, मटेरियल ऑफ टूल कैसा है, कौन ना, जैसे आपको बताया था ब्रास भी यूज़ कर सकते हो, स्टेनलेस स्टील भी, ठीक है, माइल्ड स्टील भी यूज़ कर सकते हो, उसकी शेप कैसी है ना, स्ट्रेंथ उसकी कितनी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कितनी है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कितना है। इसके बाद वर्क मटेरियल है, मटेरियल यानी जो आप जिस मटेरियल की मशीनिंग कर रहे हो, ठीक है, वो कौन सा है, उसकी इंपैक्ट स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, सरफेस फटीग स्ट्रेंथ कितनी है। इसके बाद सैलरी है, ठीक है, सैलरी मतलब जो वाटर प्लस एब्रेसिव का जो आपने बना रखा है पेस्ट, ठीक है, जो फ्लो हो सके आसानी से, उसके पैरामीटर हैं, जैसे एब्रेसिव है उसकी हार्डनेस क्या है, साइज़ क्या है, शेप क्या है, ठीक है, क्वांटिटी कितनी है, लिक्विड है, केमिकल प्रॉपर्टी उसकी क्या है, विस्कोसिटी कितनी है, फ्लो रेट कितनी है, उसका प्रेशर कितना, प्रेशर पे यूज़ कर रहे हो, उसकी डेंसिटी कितनी है। तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो ध्यान में रखना पड़ता है, और इन्हीं पैरामीटर में आप वेरिएशन करके जो मटेरियल रिमूवल रेट है इनको चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके प्रोसेस कैपेबिलिटी देख लेते हैं, यानी क्या क्या इससे काम लिया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हार्ड मटेरियल है जिनके हार्डनेस 40 से 60 HRC से भी ज़्यादा हार्डनेस है, जैसे सिरेमिक होते हैं, कार्बाइड होते हैं, टंगस्टन होता है, ग्लास है ना, जिनको कन्वेंशनल मेथड है जैसे लेथ मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है, इन पे इनकी मशीनिंग नहीं की जा सकती, इससे की जा सकती है, ठीक है। टॉलरेंस रेंज भी 7 माइक्रोन से 25 माइक्रोन तक की प्राप्त कर सकते हो, यानी जो आपको बताया है ना पहला पॉइंट है कार्बाइड, सिरेमिक, टंगस्टन, ग्लास, इनकी भी आप मशीनिंग कर सकते हो जो कन्वेंशनल मेथड से पॉसिबल नहीं है। जो टॉलरेंस है ना, यानी एक्यूरेसी, वो भी आप अच्छी प्राप्त कर सकते हो। होल साइज है जो कन्वेंशनल मशीनिंग से अपन नहीं कर सकते, जैसे 1 mm से भी छोटे होल, अपने पास ड्रिल मशीन है लेकिन अपन उससे 1 mm से छोटे के ड्रिल बहुत ही कम कर पाते हैं एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, लेकिन अल्ट्रासोनिक मशीनिंग से किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसकी बहुत सारी कैपेबिलिटी है। इसके बाद इसका एप्लीकेशन है, यानी ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, ठीक है। तो पहला पॉइंट है जो नॉन कंडक्टिव सिरेमिक्स है, जैसे इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है ना, जो लगे होते हैं, आपने देखा होगा खंभों पर, इन पे लगे होते हैं जो कंडक्टिंग वायर है ना एल्यूमिनियम के, उनको खंभों से जोड़ा जाता है, लेकिन उनको जोड़ते वक्त उनके बीच में एक इंसुलेटर लगाया जाता है ताकि जो करंट है वो खंभे में नहीं आए, ठीक है, बीच में इंसुलेटर रहता है। लोहे के बड़े बड़े आपने देखे होंगे खेतों में, इनमें जो लगे होते हैं है ना इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के, वहाँ पे बड़े बड़े इंसुलेटर लगे होते हैं ताकि वो जो पोल है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिकल वायर जा रहे हैं उनके बीच करंट का फ्लो नहीं हो, ठीक है। तो उन जो इलेक्ट्रिक सिरेमिक मटेरियल होता है वो, ठीक है, उनकी भी मशीनिंग की जा सकती है ना। फ्रेजाइल जो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, उनकी भी मशीनिंग की जा सकती है, जैसे आपके जैसे
काच वगैरह है, इनके अपन मशीनिंग करें नॉर्मल, तो क्या है थोड़ा सा भी यदि टॉलरेंस ख़राब हो गई या ज़्यादा फोर्स लगता है तो पूरा वो जो स्क्रैप हो जाता है उनकी मशीनिंग भी इससे की जा सकती है। ठीक है, जो टर्बाइन ब्लेड होती हैं सिलिकॉन नाइट्राइड की बनी हुई, उनकी भी फैब्रिकेटिंग इससे की जा सकती है। चौथा पॉइंट है, स्मॉल डायमीटर के भी बहुत सारे होल अल्ट्रासोनिक से बनाए जा सकते हैं, ड्रिल किए जा सकते हैं। हार्ड मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल है, ब्रिटल अलॉय है, सेमीकंडक्टर है, ग्लास है, सिरेमिक है, कार्बाइड है, सबकी मशीनिंग इससे की जा सकती है। आप किसी भी साइज का, राउंड है, स्क्वायर है, इरेगुलर शेप के होल है, ठीक है, सरफेस पे जो इम्प्रेशन बनाना है, कोई नाम लिखना है, वो आप इससे कर सकते हो। ठीक है, जो डाइज होती है वायर ड्राइंग के लिए, पंचिंग के लिए, ब्लैंकिंग ऑपरेशन के लिए, उनकी भी मशीनिंग आप कर सकते हो। ठीक है, इससे आप ड्रिलिंग है, ग्राइंडिंग है, मिलिंग ऑपरेशन है, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा जो पियर्सिंग है डाई की, ठीक है, पार्टिंग ऑफ जो ऑपरेशन है, ब्लैंकिंग ऑपरेशन, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कोई डेंटिस्ट है ना, वो यदि टीथ है उसमें होल करना है बिना किसी दर्द के, तो वो भी आप अल्ट्रासोनिक मशीनिंग से कर सकते हो। ठीक है, दांत के अंदर ड्रिल भी कर सकते हो स्मॉल होल बिना किसी पेन के। जो फेराइट है, स्टील के पार्ट्स है, ठीक है, उनकी भी मशीनिंग की जा सकती है एकदम एक्यूरेसी के साथ। जो इंडस्ट्रियल डायमंड है उनकी भी मशीनिंग की जा सकती है। ठीक है, जो क्वार्ट्स, ग्लास, सिरेमिक है, इनकी भी ग्राइंडिंग की जा सकती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है। इसके बाद एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज भी यही है कि हार्ड मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल है, फ्रेजाइल मटेरियल है, लोन कंडक्टिव मटेरियल है, इनकी मशीनिंग की जा सकती है। दूसरा एडवांटेज है कि हीट इसमें जनरेट नहीं होती है। नॉन मेटल जो होते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल, वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, जो नॉन मेटल है, सिरेमिक है, ग्लास है, इनकी भी मशीनिंग की जा सकती है। इसमें जो सरफेस आपको प्राप्त होती है वो बरलेस प्राप्त होती है, यानी कोई उसमें आपको शेप एकदम जो फिनिश है वो उसकी अच्छी मिलती है, सरफेस फिनिश। ठीक है, इसके बाद है डिसएडवांटेज। इसका जो मेन डिसएडवांटेज है वो सबसे बड़ा तो ये कि जो मटेरियल रिमूवर रेट है, यानी जो मटेरियल रिमूव हो रहा है वर्क पीस से, वो बहुत ही कम है। ठीक है, इससे आप डीप होल नहीं कर सकते हैं, यानी जो होल है उनकी गहराई ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि जो जो एब्रेसिव फ्लो है उसमें दिक्कत आती है। ठीक है, जो टूल वियर रेट है वो भी काफ़ी हाई होती है, यानी टूल भी आपका क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और नया टूल यूज करना पड़ता है जल्दी। ठीक है, और कहाँ तक यूज़ कर सकते हो, जहाँ 45 HRC से ज़्यादा हार्डनेस हो जिन मटेरियल की, उन पे यूज़ करना ये अल्ट्रासोनिक मशीन के लिए सूटेबल है। तो ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।